मंडी स्थित नगर परिषद मंडी के सभागार में गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान के सौजन्य से हिमाचल प्रदेश में सामुदायिक संचालित कचरा प्रबंधन स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मंडी नगर परिषद की अध्यक्षा सुमन ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यशाला में नगर परिषद मंडी के पार्षदों और सफाई के कार्य से जुड़े विभिन्न सुपरवाइजरों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान संस्थान की ओर से वैज्ञानिक प्रभारी एवं संयोजक डॉक्टर एसएस सामंत ने अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई। हमने विकसित किए हुए हैं, इसमें हमने जो एंटरटेनर जो कूड़ा कचरा है ना, उससे जो पेपर है, पेपर से फाइल बनाने का कहते हैं, हमारे साथ ही एक साइंटिस्ट खड़ी गए, वो काम करिए है ना, जो ऑक्सीजन वेजिटेबल के लिए पॉलीटनल बना रखे, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कहते हैं वहाँ पर पिट बना रखे, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर बना रखा है, जो हमारा स्टोर हाउस का काम करता है उसमें अगर उसको बना के अगर आप उसमें अगर सब्जियों को या आलू या फलों को अगर स्टोर करेंगे तो वो क्या होता है, लंबे समय तक आप उनको स्टोर कर सकते हैं, अपने लेवल पर कर सकते हैं। वह क्या करता है, थर्मस फ्लास्क की तरह काम करता है, उसमें दो लेयर होती हैं ईंटों की, बीच में बजरी भर देते हैं और उसमें पानी भर देते हैं हमेशा, ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं तो वो हमेशा अंदर का तापमान अंदर का बना रहता है, ठीक है जी, जिससे वो हमारे सब्जी और जो ये आपके जो भी फल हैं वो सड़ने से बच जाते हैं। SSB है, ITBP है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, NCC, महिला मंडल, ठीक है जी, ये अलग अलग जगहों पर, ये हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ये लोग भी हमारे वहाँ विजिट करते रहते हैं। चलो आगे विजिट, फिर उसके अलावा जो है ये तिब्बतन कम्युनिटीज़ को ट्रेनिंग दी, ये ITBP वालों को, स्कूल के बच्चों को, और कुछ दिवस जो है वो हम मनाते रहते हैं। वही नगर परिषद मंडी के अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने कार्यशाला के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई। एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट है उसके बारे में चर्चा की जा रही है, और इस कार्यशाला में हमारे सभी सामान्य पार्षदगण और जो हमारे नगर परिषद के कर्मचारी जो दिन रात जो हैं वो लोगों की सेवा में लगे होते हैं, कि जो लोगों का कचरा होता है वो सुबह से उठाना शुरू कर देते हैं, इस कचरे को किस ढंग से हम ठिकाने लगाएं, किस ढंग से इस कचरे का प्रबंध किया जाए, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए इस संस्थान ने मंडी जिला को चुना कि नगर परिषद मंडी में जो कचरा है वो किस तरीके से इकट्ठा किया जाता है, डोर टू डोर लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, इसी संबंध में आज ये हमारे बीच में बैठकर चर्चा करेंगे। वो जानकारी दी थी और वो जड़ी बूटी अपनी आजीविका कर रहे हैं, ये खुशी की बात।